राधे राधे जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 25 जुलाई की और दिन है गुरुवार का। तो बस जी, बच्चों के स्कूल जाने के बाद यहाँ पे मैंने घर का सारा काम कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे नहा धो के अपने ठाकुर जी को स्नान करा रही हूँ। तो स्नान वगैरह करा के वस्त्र धारण करवा दिए हैं। उसके बाद मैंने जो है उनकी आरती लगा दी है और भोग में मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं। बस जी, इतना ही मुझे आता है, इससे ज्यादा मुझे पूजा पाठ नहीं आता। उसके बाद मैं यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ। तो जी, रोज तो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं पूजा करने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करूँ। तेज प्रताप महाजगबंधन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करि बे को आतुर प्रभु चित सुनि बे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूर्यमुख कर कंज पद कंजारुण कंदर पागणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम तपीत मान। तो जी, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पे श्री राम स्तुति भी पढ़ी है और ये दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चाहे इन्हें फोन में लगा के सुनो या किताब में पढ़ो, इनसे मन नहीं भरता। बस जी, पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। पहले मैंने दूध गर्म करने रख दिया है और फिर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। अब चाय में अदरक के बिना मुझे स्वाद नहीं आता। साल में 2-4 दिन ही ऐसे होते होंगे जब बिना अदरक की चाय पीनी पड़ती है, नहीं तो 12 महीने मेरे घर में अदरक रहता ही है। बस चाय के साथ मैंने यहाँ पे ले लिए हैं बिस्किट, क्योंकि रखे हुए थे और जब मैंने चाय बनाई है और घर में बिस्किट है तो मेरे से कंट्रोल नहीं होता। मैं यहाँ पे चाय के साथ बिस्किट, 2-4 बिस्किट मैं खा ही लेती हूँ। पर लेकिन मैं अब ये चाय बिस्किट खाने के बाद मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी, क्योंकि फिर अगर ब्रेकफास्ट कर लिया तो फिर हैवी हो जाएगा। तो बस जी, पहले मैं अपनी चाय फिनिश करती हूँ, उसके बाद लगेंगे किचन में। तो जी, अब मैं चाय पी के किचन में आ गई हूँ। अब दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं। तो आज दोपहर में मुझे बनानी है तोरई की सब्जी। कल यीशु के पापा तोरई लेके आए थे, बस रात को लेट हो गए थे तो मैंने ऐसे ही ये पॉलिथिन के साथ ही उठा के रख दी थी। और वैसे भी अगर इन्हें धो के रखते तो जो है ये थोड़ी सूखी सी हो जाती हैं, फिर फ्रेश सी नहीं रहती, इसलिए मैंने ये बंधी हुई फ्रिज में से उठा के रख दी थी। तो जी, आज दोपहर में सिर्फ मुझे तोरई बनानी है और उसके साथ मैं रोटी बनाऊंगी। सुबह मैंने बच्चों के टिफिन के लिए भिंडी की सब्जी बनाई थी, वो भी रखी हुई है, और रात को दही जमाई थी, वो भी रखी है। तो अगर दही है तो बच्चे तो दही से खा के ही खुश हो जाते हैं। और वैसे भी मेरे बच्चों के मतलब ऐसा कोई ड्रामा नहीं है कि ये वाली सब्जी नहीं खानी है, वो वाली नहीं खानी है। वो हर तरह की सब्जी वगैरह जो भी घर में बनती है सब खा लेते हैं। बस ये है कि जब दही होती है तो फिर उनको कोई सब्जी की जरूरत नहीं होती, वो दही से ही खा के खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सब्जी वगैरह तो जो है बनानी ही पड़ती है। मैं भी हूँ, यशवी के पापा भी हैं। खैर, यहाँ पे तोरी की सब्जी मैंने छोंक दी है। सिंपल सब्जी मैं यहाँ बनाऊंगी, सिर्फ 2 से 3 मैंने हरी मिर्च डाली है, नमक हल्दी डाल के ढक के रख दिया है। अब जब तक ये सब्जी पक रही है तब तक चलिए मैं छत पे कपड़े सुखा के आ जाती हूँ। तो कपड़े सुखा के जब मैं नीचे आई तो एक और सरप्राइज मेरा वेट कर रहा था। नीचे जो है सिलेंडर खत्म हो गया था। तो बस कोई नहीं, सिलेंडर तो रखा हुआ था मेरे पास भरा हुआ। फटाफट से मैं पहले सिलेंडर चेंज करूंगी। सब्जी बिल्कुल भी मतलब गली नहीं थी, शायद मेरे ऊपर छत पे जाते ही सिलेंडर जो है खत्म हो गया था। और जब मैं सब्जी छोंक रही थी तब तो गैस अच्छी खासी जल रही थी, मुझे पता भी नहीं लगा। खैर कोई नहीं, गैस का तो ऐसा ही है, ऐसे टाइम पे ही धोखा देती है, कोई ना कोई काम अधूरा रह ही जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले सिलेंडर चेंज कर देती हूँ। तो जी, तोरई तो अच्छे से गल चुकी है, इसमें मुझे अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है। जो तोरई है उन्होंने काफी पानी छोड़ दिया है। अब इसमें मैं सिर्फ नमक हल्दी डाला था मैंने, अब मैं इसमें सिर्फ काली मिर्च और कूट के डाल दूंगी और ये सब्जी जो है बिल्कुल हमारी बन के तैयार हो जाएगी। अब बस ये सब्जी बनेगी, तब तक जो भी बर्तन इकट्ठे हुए हैं धोने के लिए उनको मैं धो के रख दूंगी। और रोटियां मैं तभी सेकूंगी जब बच्चे और यशवी के पापा आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है सब्जी में, क्योंकि पहले मैंने जो है कम नमक डाला था। तो बस इसको ढक के 5-7 मिनट और थोड़ा पकाएंगे, तब तक मैं बर्तन भी साफ कर दूंगी। Sunshine on my face,
तो जी सब्जी बन गई है, बस अब मैं रोटी तो तभी सेकूंगी जब बच्चे आ जाएंगे, अभी थोड़ी देर में रेस्ट करूंगी। तो जी बच्चे वगैरह आ गए थे स्कूल से, खाना खा लिया था सबने, और यहाँ पे यशवी अपने स्कूल का कोई प्रोजेक्ट का काम है वो कर रही थी, और ऋषभ तो बस पता ही है आपको गेम खेल रहा था। तो मैंने सोचा ताजा पानी आ गया था, तो मैंने कहा नहीं नहीं आया था, मुझे मोटर बंद करनी पड़ गई थी, तो मैंने कहा बर्तन वगैरह साफ कर दूं, फिर थोड़ी देर जो है ऋषभ को भी पढ़ाना रहेगा और उसके बाद मैं उसको गेम्स में लेके जाऊंगी। तो अगर मैं यहाँ पे मतलब बैठ जाती या रेस्ट वगैरह करने लग जाती तो फालतू में काम ही लेट होता, बस इसीलिए जो खाना खा के बस सीधा मैं किचन में आ गई हूँ ताकि ये जो बर्तन वगैरह है वो मैं साफ कर सकूँ। तो चलिए पहले बर्तन साफ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो बस जी बर्तन साफ करने के बाद गैस को भी मैं लगे हाथ साफ कर दूंगी, गैस पर पोछा वगैरह मार के जो है किचन क्लीनिंग का काम मेरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जी किचन क्लीन करने के बाद मैं छत से जो है सारे कपड़े उतार के ले आई हूँ, और छत पे धूप बहुत तेज हो रही है, कपड़े बिल्कुल जो है अच्छे से सूख गए हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर ऋषभ को पढ़ने के लिए बिठाऊंगी, लेकिन उसके लिए उस पर थोड़ा बहुत चिल्लाना पड़ेगा तब कहीं जाके वो बैठेगा। तो बस उसके बाद जो है यशवी का ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, तो मैं अभी यहाँ पे ऋषभ को लेके बैठ गई हूँ। अभी मैं उसका थोड़ा बहुत होमवर्क चेक करूंगी, जो भी स्कूल में कराया होगा वो काम, और जो घर के लिए मिला है वो देखूंगी, और जो उसको याद करने का होगा वो थोड़ा बहुत याद करा दूंगी, क्योंकि फिर इसको गेम्स में भी लेके जाना होता है तो एक साथ सारा काम नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत देख के और जो भी इसको करना होगा वो करा के फिर मैं इसको लेके गेम्स में जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ऋषभ को एक चैप्टर याद करने दिया है, तो बस वो वही याद कर रहा है, लेकिन ईमानदारी से तो करना नहीं है उनको, खैर जितना भी पड़े। अब मैंने सोचा यहाँ पे टाइम है तो चलो कपड़े ही क्यों ना फोल्ड कर दूं मैं, तो जो प्रेस के कपड़े हैं वो मैंने अलग कर दिए हैं और फोल्ड करने वाले मैं इनको फोल्ड कर दूंगी। बस अभी मैं इन्हें यहीं रखे रहने दूंगी, क्योंकि जो टाइम है वो भी हो रहा है, तो बस अभी जितने भी 5-7 मिनट है उसमें जितने कपड़े फोल्ड होंगे उसमें करने के बाद मैं इसको तैयार करके ऋषभ को लेके जाऊंगी। और यशवी भी हाँ इस समय तक ट्यूशन चली गई थी। तो लीजिए सारे ही कपड़े यहाँ पे मैंने फोल्ड कर दिए हैं, अब हम फटाफट से तैयार होंगे और घर से निकलेंगे। तो जी मैंने यहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए हैं और ऋषभ की पानी की बोतल भी भर ली है, अब चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे आने के बाद। तो जी गेम से आने के बाद ऋषभ सीधा नहाने चला जाता है और फिर मैं भी नहा के आ गई हूँ। ऋषभ को भूख लग गई थी तो उसको मैंने दूध के साथ ब्रेड खाने के लिए दे दिए हैं, और यशवी यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही है, ये प्रोजेक्ट उसको सैटरडे को सबमिट करना है तो बस उसी को कंप्लीट करने में लगी हुई है। और मैंने यहाँ पे सिंपल दाल चावल भी बना लिया है, बस खाना ठंडा करके फटाफट से बच्चों को दे दूंगी, फिर उनको जो थोड़ा बहुत काम कराना रहेगा स्कूल का वो कराऊंगी। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। Shine on my